सर मेरी नज़र में तो कोई डिफरेंस नहीं है वी वी सेल प्रोजेक्ट रूफटॉप विद बोथ कस्टमर्स फ्यू आर विलिंग टू गो विद सब्सिडी वी यू आर विलिंग टू गो फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट दे डोंट वांट सब्सिडी दे वांट द बेस्ट सोलर पावर टू बी इंस्टॉल देयर बेस्ट इन्वर्टर आई थिंक सब्सिडी कहाँ रही है कमर्शियल में बिल्कुल नहीं है रेजिडेंशियल में अप टू टेन किलो वर्त सबसिडी और तो कहीं है नहीं द मेजर ग्रोथ इज कमिंग विदाउट सब्सिडी सो पीपल आर नॉट कंसर्ड अबाउट सब्सिडी दे द बेस्ट प्रोडक्ट इन देयर हाउसज़

वो आपको पूछेंगे आपका पावर रिक्वायरमेंट कितना है आप कार्बन एमिशन कितना करते हो उसके ऊपर आपको ग्रीन सर्टिफिकेट मिलेंगे उसके ऊपर आपका सेल्स टर्नआउन बढ़ेगा तो अगर आपको फ्यूचर देखना है आपको एक्सपोर्ट करना है आपको डोमेस्टिक मार्केट में ग्रो करना है आपको सोलर और रिन्यूबल एनर्जी में जाना ही पड़ेगा उसमें कोई ऑप्शन नहीं है डोंट लुक एट द सब्सिडी सब्सिडी इज इट्स जस्ट यू नो ब्रेन वॉश ऑफ फ्यू पीपल फॉर दिस कमर्शियल एंड वेरी स्मॉल रेजिडेंशियल गो फॉर सोलर फॉर ए फॉर ग्रोथ ऑफ अर ओन कंपनी एंड द इंडस्ट्री ग्रेट इसमें मैं ऑन करना चाहूँगा कि अभी जैसे सोलर का अवेयरनेस बढ़ रहा है वैसे ही डोमेस्टिक कस्टमर की पहले डिमांड है सब्सिडी उसके लिए कस अगर डिस्कशन सोलर से चलता है तो पहला ये रहता है कि सर क्या सब्सिडी होगा कितना सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है पेपर में हम डेली देख रहे हैं बहुत सब्सिडी आ रहा है वो आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं करेगा कि अभी टेंडर्स नहीं हुए हैं या टेंडर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन रहती थी और आर आर ई की लास्ट टाइम मैं बात करूँ जो चैलेंजेस आपने रंधावा जी ने पूछा कि सब्सिडी में बत्तीस रुपये का सब्सिडी हमने दिखाया बत्तीस हज़ार रुपये पर किलो वाट कस्टमर को अप टू फाइव किलोमीटर के सिस्टम पे उसके बाद में सुपर स्ट्रक्चर की भी रिक्वायरमेंट रहती है कस्टमर्स की तो हम वो एड ऑन करते हैं तो छत्तीस सैंतीस रुपये में लास्ट ईयर प्रोजेक्ट बना वहीं प्राइवेट कस्ट प्राइवेट ई प्लेयर क्या करता है अपना थर्टी नाइन फोर्टी रुपीज़ में वो प्लांट उठाता है वो कहता है सब सब्सिडी में आप जाओगे अपना पैनल वेंडर को पकड़ोगे उसके अपने ड्यूटेलिजेंस हैं कंप्लाइंसिस हैं हर चीज़ का पीडीआई कराना है और बहुत सारे प्रोसेस से निकलना पड़ेगा तो योर प्रोजेक्ट विल गेट अराउंड थ्री टू फोर मंथ्स मिनिमम वेयर जो प्राइवेट ई एप, पी प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं अपना स्मॉल प्रोजेक्ट आज अपना डील क्लियर एडमिटिंग फाइल लगाया फिफ्टीन डेज़ में प्लान कंप्लीट कर देते हैं तो ये एक बड़ा कंपैरिजन है तो इसमें मेरा ये एक्सपेक्टेशन है या ये मेरा सजेशन है शायद गवर्नमेंट को और नंबर्स थोड़े रन कराने चाहिए सब्सिडी के लिए अपने फ़ंड से सब्सिडी के हेड को लेना चाहिए ना कि ई प्लेयर्स के फंड से आप देखिए कि ई प्लेयर्स के नंबर्स बहुत ही वीक आते हैं उन्होंने टेंडर्स में पार्टिसिपेशन भी किए लास्ट ईयर बट उस प्रोजेक्ट को भी किया नो प्रॉफ़िट नो लॉस से निकले बट गवर्नमेंट की तरफ से फिर भी वो ड्यू इंटॉलीजेंस की प्रोसेस वही रहे जो नॉर्मल अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं उसमें हमारे छोटे ई प्लेयर्स को बड़ा सफ़र करना पड़ा मुझे नहीं लगता कि उन प्रोजेक्ट्स से उनको कुछ खास मुनाफा हुआ उन्होंने सिर्फ अपनी प्रेजेंसी के लिए उन प्रोजेक्ट्स को किया और आगे भी करेंगे हम हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी एक ई प्लेयर्स या हम वन सोलर वन ड्रीम वाले सेक्टर uh, में सब लोग एक होकर हम पॉलिसी के अगेंस्ट में एक नेचुरल अपना बिहेवियर रखें जो कि पॉलिसीज़ को स्मूथ करने में सपोर्ट करेगा जैसा कि uh, अभी कुछ और स्टेप्स रंधावा जी ने भी उठाए अपना एक रियर ग्रुप बनाया उसके एक मेन मेंबर भी हैं और हम सब लोग भी इनके साथ खड़े हैं और हम लोग आने वाले टेंडर्स में भी काफ़ी ऐसे फाइट करने वाले हैं कि ऐसा नहीं हो कि जर लगाने वाले प्लेयर्स के लिए उनकी मजदूरी भी ना निकले सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइबिलिटी दोनों की होनी चाहिए गवर्नमेंट की भी हमारे भी और फ़ायदा कस्टमर को ज़रूर पहुंचना चाहिए यही एक मेन डोमेस्टिक कस्टमर की डिमांड है उसको हम तरीके से गवर्नमेंट के सपोर्ट से पूरा करेंगे ये हम लोगों का विज़न भी है और मिशन भी है थैंक यू सो मच हाँ वन वन वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट सब्सिडी टाइम से आ जाती है गुजरात में एकदम हर एपीसी प्लेयर को टाइम से आ जाती है बीच में एक प्रॉब्लम हुआ था कुछ अकाउंटिंग इश्यूज थे में बट वो क्लियर हो गए थे और सब्सिडी से से जाती है एपीसी प्लेयर को गौरा जी ने तो मतलब इतना बड़ा दर्द दे दिया आखिरी में <laughs> 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 हैं, कि जो दर्द आर आर के एम साहब ढाका जी यहाँ बैठे थे बेचारे वो भी साइन कर पाए तो एक थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आई थिंक वी आर गोइंग टू वाइंड अप आई थिंक इट्स मोर एक चीज मुझे आप बताइए कि आई थिंक सेप्टेम्बर थर्टी ए एल एम एम इज यू नो लास्ट डेट है कि ए एल एम एम के अलावा आप कुछ भी नहीं लगा सकते रूफटॉप के अंदर यहाँ पे बड़े मैन्युफैक्चरर्स भी बैठे हुए हैं पीछे अडानी साहब भी बैठे हुए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं आज सरकार डीसीआर पे फोकस कर रही है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पे फोकस कर रही है हम लोगों ने जैसे नेशनल एंथम होता है वैसे डीसीआर 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 हर कस्टमर के सामने जाके हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया और थोड़े ही दिन पहले दस दिन पहले पता पड़ता है कि बड़े मैन्युफैक्चरर जिसकी वजह से डीसीआर इंट्रोड्यूस हुआ वही अब डीसीआर नहीं दे रहा तो हाउ यू टेक चैलेंजेस लाइक दिस सर मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आप सीनियर हैं यू यू आर यू ऑपरेटिंग अ वेरी बिग कंपनीज़ बिकॉज़ हम तो बहुत छोटे लेवल पे हम तो फ़ाइट कर सकते हैं लेकिन आपका एक्सपीरियंस है कि क्योंकि आपने दोनों ही चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है कि एक इंटरनेशनल ब्रांड जहाँ पर क्वालिटी होती है वहीं पर अपन ए की अगर, अगर अपन बात करते हैं फिर आ जाते हैं अपन डी पे तो हाउ यू डिफ्रेंशिएट एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन विदाउट प्लानिंग इन ए सिंपल वर्ड आपने एक लाइक like हम कंपनी में विजन बनाते हैं मिशन बनाते हैं आपने विजन बना लिया ठीक है हम इंडियन मेक लेंगे लेकिन वट आर द स्टेप्स टू अचीव दैट आपकी सप्लाई एंड डिमांड भी पूरी नहीं होगी वाई वी आर इम्पोर्टिंग बिकॉज हमको कॉस्ट कम पड़ रहा है हमको सप्लाई अच्छी मिल रही है इफ़ यू आर गेटिंग इन इट इंडिया वाई वी गो टू द चाइना इन अदर कंट्रीज बट सप्लाई किधर है आपका कितने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं हु कैन कैटर एंड फुलफिल द इंडियन डिमांड्स ऑफ द सोलर नो व्हाट इज द क्वालिटी वी आर अचीविंग नो ओनली फ्यू ऑन फिंगर टिप्स कंपनीज आर देयर गिविंग द गु सो दैट्स लाइक आई सेट द एग्जीक्यूशन विदाउट प्लानिंग वी शुड थिंक अबाउट दैट विश मतलब गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट हाँ सो डी सी आर एक्चुअली क्या हो रहा है कि इन डी सी आर We are forcing the customers to choose a DCR module because without DCR, you will not get subsidy. The moment subsidy uh, moves away, then the DCR component may not be uh, may, uh, may not be very, uh, you know, lucrative for the customer. But the government wants to push manufacturing. Manufacturing, I, I will tell you from my personal experience, because I started my uh, career in semiconductor manufacturing for solar cells.

सोशल मीडिया काइंड ऑफ एप्स एंड ऑल ऑफ दैट कंसिस्टेंटली गिविंग फीचर्स टू योर फोन तो इट सेम थिंगपन्स इन सोलर सोलर मैन्युफैक्चरिंग एस्पेशली ऑन द सेमी कंडक्टर साइड इवन मॉड्यूल प्लेयर्स हैव टू एवरी टाइम आई गो टू मॉड्यूल प्लेयर अरे ट्रीना में तो सिक्स फिफ्टी वॉट आ गया है एंड आई आई स्पीक टू लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड सर हाँ सर हमें पता है नेक्स्ट ईयर आ जाएगा नई लाइन आ रही है तो Before even if a cash rich uh, a company uh, would like to get that 650 watt peak uh, module line, already it's been booked. Uh, it's already been booked by some Germans and some Chinese companies and Taiwanese companies and even even Philippines and uh, Vietnam. They are pre booking using Chinese money. They are also getting credit lines from China, uh, which we are, which manufacturers in India cannot get access to. Unfortunately, uh, this is uh, one of the things we saw. Uh, so, because uh, also one thing for regarding DCR, I like the fact that they are pushing for uh, uh, pushing for DCR, uh, and I want manufacturing to improve. But what was our policy? Mein, uh, I know this firsthand because I was involved in the uh, 2009. I was seeing how the policy was framed in India. 70% of men are employed by in the construction industry. Construction inclu includes buildings, includes infrastructure, it also includes solar and all of that. And the number of people hired in manufacturing was very less. The, the policy makers thought, let us get hold of this low lying fruit and let us get people employed in the installation business. So they had taken that route. But now, we understand how valuable manufacturing is not to only build our economy, but also to be resilient if any backlash, trade inflow backlashes happen, like we have seen in COVID and recently. So, uh, I, if I was sitting in the government position and I was wanting to push DCR, I would specifically look at capacities of solar modules, solar module plus cell, uh, and allocate specific large-scale tenders for that capacity, either state-wise or through the center. that is very, so it is a good balance uh, between who, uh, who, who everybody has a choice to buy whatever. so, for example, nehru solar mission. first nehru solar mission was around 15-20 megawatt. so they had looked at the capacity. okay, india has 50, 50 uh, megawatt capacity installation. we will do 15 megawatt dcr. so that is how they uh, that is how first Nehru Solo Mission was thought of. It went very badly. It failed to, totally uh, because of very bad bids. But if we can, uh, instead of forcing it on the customer that no ALMM low, DCR low, EA low, maybe we could give him a choice and uh, certain projects we could specifically fix for uh, DCR. मतलब एक्चुअली क्या है कि ये गुजरात का खून है तो अंदर से पूरा का पूरा निकल रहा है पर एक्चुअली यू नो गुजरात में यू कैन डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पर राजस्थान की विडम्बना क्या है कि जो सामने पड़ा हुआ है थाली में हमको तो उसी में से रोटी लेनी है तो ये थोड़ा सा फ़र्क है प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा आप सभी लोग जो हैं मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम लोग एक एसोसिएशन रन करते हैं रियर रेनेबल एनर्जी एसोसिएशन जिसके अंदर आप किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं आयदर यू एन एन एम्प्लॉय आयदर यू एन एन कंसल्टेंट आप किसी भी आप एंड यूज़र हैं बेनिफिशियरी हैं प्रज्यूमर हैं कोई भी हैं आप मैन्युफैक्चरर हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं डीलर हैं आप एसोसिएशन के साथ किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं हम आपको सारी सहूलियत अवेलेबल कराते हैं आपको अगर बिजनेस ग्रो करना है तो हम आपके लिए सोचते हैं अगर आप एंड यूजर हैं आप नहीं लड़ पा रहे हैं तो हम आपके लिए लड़ते हैं आप मैन्युफैक्चरर हैं आपके आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं तो इन अ वेरी शॉर्ट वर्ड यू कैन से रियरबल एनर्जी एसोसिएशन इन राजस्थान इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अ एंटायर रिनल एनर्जी इवन देन अगर हम सोलर रूफटॉप की अगर अपन बात करते हैं तो आज एक्चुअली uh, मैं सर को बताना चाहूँगा आर आर ई सी एल नो मोर विद द सोलर after डिस्कॉम ही after कर रहा है पिछले आठ महीने से हम लोग जूझ रहे हैं और अभी तक भी जो है वो लास्ट फाइनल लिस्ट अजमेर डिस्कॉम uh, इशू नहीं कर पाया है तो ये गुजरात और राजस्थान का अंतर है एक्चुअली मतलब हम लोगों को जूझना पड़ता है अपने ही ब्रेड एंड बटर के लिए तो क्वालिटी तो बहुत दूर की बात है पहले तो हम हमारे रोज़गार को बचा लें आज सामने वाले क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि पहले तो हम फर्स्ट फाइट uh, करते हैं गवर्नमेंट के लिए कि यार गवर्नमेंट कम से कम कुछ काम तो कर ले लेकिन यहाँ से आंसर वही आते हैं कि यार अभी चल रहा है चल रहा है चल रहा है आज अभी आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं तो एक और चीज़ डिस्क्लोज करना चाहूँगा राजस्थान के अंदर रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप सब्सिडी जो है वो उसका काम अब शुरू हो गया है एमडी निर्वाण सर का वीडियो भी चला था डिस्कॉम्स एमएनआरई एमएनआरई ने डिस्कॉम्स को एक जिम्मेदारी दी है राजस्थान के अंदर दो स्टेट दो सिटी सेलेक्ट की है एक है पुष्कर दूसरी है जैसलमेर अगर आप कोई भी बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं क्योंकि सरकार पूरी भारत सरकार पुष्कर पे कंसंट्रेट कर रही है कि वहाँ पे हर एक होटल हर एक घर हर एक स्ट्रीट लाइट कोई भी चीज हो देट विल बी रन ओनली बाय रिन्यूएबल एनर्जी 100 परसेंट राजस्थान की पहली ग्रीन सिटी पुष्कर बनने के लिए आप सभी की मदद की आवश्यकता है थोड़ा सा कंसंट्रेट करें क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ पे आप सभी को मिल सकता है आप रियर के साथ में जुड़ें क्योंकि देखिए ऑल मोर और लेस वी ऑल आर बिजनेसमैन चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी में हैं यू आर लुकिंग फॉर अ टू मेगावाट

चाहे आप अजमेर के अंदर एक भी छत के ऊपर सोलर नहीं लगाएं लेकिन वो मेहनत अगर आप पुष्कर की छत के ऊपर करते हैं तो गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज यू एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहूंगा रियर रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन विथ इन्वॉल्व विथ एवरी मिनिस्टर एवरी ब्यूरोक्रेट्स एवरीबडी सो हैव अ फेथ आज अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज मूव ऑन टू पुष्कर देन मूव ऑन टू जैसलमेर क्योंकि एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर कोई एक रास्ता बंद हो जाता है तो हमको दूसरा रास्ता मिलता है और हम 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 लोगों के वही प्रयास रहते हैं आप लोगों से इनिशिएटिव लेके कि एक रास्ता किस तरीके से खोला जाए हम रोज उस पर रिसर्च करते हैं हमारी रिक्वेस्ट है मैन्युफैक्चरर्स भी हमारे साथ में जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी जुड़े छोटी बड़ी सभी ब्रांड को वहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा आपके कोई से भी मॉड्यूल हैं वी हैव अ बायर्स गवर्नमेंट उस चीज़ को नहीं समझ रही थोड़े दिन पहले आरआरसी सी ने कुछ एम को लेके प्रोग्राम किया बट आरआरसी सी ये चीज़ भूल गई कि बायर तो मेरा स्मॉल ईपीसी है आज अगर मैं राजस्थान के अंदर कोई इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं अदर देन पैनल एंड इन्वर्टर जो कि मनीष सर ने सुबह बताया कि पाँच दस करोड़ के अंदर वो आपकी इंडस्ट्री लग जाती है बहुत सारी एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं रीन्यूबल एनर्जी के अंदर जहां पे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं हो सकता है आपके फ्रेंड हो फैमिली वाले हों जिनके पास पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए प्लीज डाइवर्ट दो पीपल टुवर्ड्स अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आज की डेट में अगर आप उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रेस्प करेंगे आई एम श्योर डेफिनेटली टुगेदर वी पीपल कैन चेंज अ सीनरी ऑफ राजस्थान लाइफ ऑफ अ राजस्थान इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की अगर अपन बात करते हैं तो उस पर भी आप नई पॉलिसी आ गई है और तकरीबन चार लाख तक आपको एक यूनिट के ऊपर सब्सिडी भी उसके ऊपर मिलेगी तो प्लीज़ रियर के साथ जुड़िए आपको सारी सेवाएं क्योंकि हम हर एक चीज़ आपको हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराएंगे और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ई e क्यू मैगज़ीन का आनंद जी का कि उन्होंने सब जनों को ये प्लेटफॉर्म दिया मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं बड़े बड़े इंस्टॉलिंग कंपनी हैं मतलब यू विल नॉट बिलीव कि अगर एक छोटा ई है उनको इन लोगों से सीखना चाहिए कि मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या है आज अगर हम गुजरात की वहरा जी की बात करते हैं तो गुजरात से हमको सीखना चाहिए कि मैं राजस्थान को गुजरात में किस तरीके से तब्दील कर सकता हूँ मैं मेरे बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकता हूँ आज अविनाश जी हैं ये रेज में है मतलब दे हैवे एक्सपर्टाइज ये जरूरी नहीं है कि हमको हमको कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिल सकता है ऑल टुगेदर वी हैव टू चेंज अ बिज़नेस मॉडल ऑफ राजस्थान एक जना कुछ भी नहीं कर सकता धन्यवाद बिकॉज uh, आप आर आर सी एल से कनेक्टेड है एंड पोर्टल uh, अभी तक बना नहीं है आई कैन एक्चुअली इंट्रोड्यूस टू द राइट पीपल हु बिल्ड द गुजरात पोर्टल द कंपनीज नेम इज़ आहार सोलर सर एक्चुअली सब चीज़ सबके बारे में मैं इस प्लेटफॉर्म पर वी आर इन टच और मैं आपको बताना चाहूँगा अब इन्होंने क्या एक्चुअली क्या टाइम की लिमिट है हाँ पोर्टल बन चुका है नेक्स्ट वीक सिर्फ डेट का इंतज़ार है और बहुत बड़ा ग्रांड लॉन्च होने वाला है और यूनिफाइड वेब पोर्टल इस लेवल का बना है कि एक एंड यूज़र उस पर अप्लाई करेगा और उसकी सब्सिडी किस वक्त रिलीज हो जाएगी दैट विल डायरेक्टली कनेक्ट विद नेशनल डीबीटी पोर्टल नेशनल डीबीटी पोर्टल सिर्फ एक एग्रीगेशन का माध्यम है क्योंकि आज 31 दिसंबर तक भारत सरकार को भी पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये एग्रीगेशन शो करना है कि मेरे भारत में कितना पोटेंशियल है रूफटॉप का आज अगर आप किसी चीज़ को एग्रीगेट नहीं करोगे आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे पास कितनी जन जनता है जो रूफटॉप लगाना चाहती है उसके बाद 31 दिसंबर के बाद ये लगना स्टार्ट होंगे इस लेवल पे लगेंगे कि आप ये सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा क्योंकि मैं शब्द मेरे हैं

थोड़ा गुजरात के टच तक आएगा बट वन डे टूगेदर वी विल शो गुजरात की वी आर फार बेटर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी पैनल मेंबर्स को मोमेंटो डिस्ट्रीब्यूट कर दें